नमस्कार, मैं हूं अभिषेक चंद्रा और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज डॉट इन। बिहार की बात में आज हम बात करेंगे शत्रुघ्न सिन्हा की और उन पर हुए राजनाथ सिंह की कृपा की। शत्रुघ्न सिन्हा पटना साहिब से सांसद हैं, उनका दूसरा टर्म चल रहा है। कल अमित शाह पटना में थे, अमित शाह का एक बड़ा दौरा पटना में था। भाजपा के तमाम आला नेता जो हैं अमित शाह के तमाम कार्यक्रमों में मौजूद थे, मगर एक बड़ा नाम जो कि इन तमाम कार्यक्रमों से नदारद था वो नाम शत्रुघ्न सिन्हा का है। शत्रुघ्न सिन्हा पटना साहिब से ही सांसद हैं, भाजपा के सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे हुए हैं, मगर जब भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष पटना आते हैं तो वो नदारद रहते हैं। क्या कारण है यह शत्रुघ्न सिन्हा ही बेहतर बता सकते हैं, वो बेहतर जान सकते हैं। मगर हाल फिलहाल में शत्रुघ्न सिन्हा के तमाम स्टेटमेंट्स को आप देखें, तमाम उनकी बातों को देखें, तमाम उनकी बाइट्स को देखें, तो आप पाएंगे कि शत्रुघ्न सिन्हा भाजपा से नाराज़ चल रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा की नाराज़गी बहुत सारी वजहों से है। एक बड़ी वजह यह बताई जाती है कि उन्हें केंद्र में मंत्री नहीं बनाया गया, इसीलिए शत्रुघ्न सिन्हा नाराज़ चल रहे हैं। नरेंद्र मोदी पे भी वो कई बार अटैक करते हैं, भाजपा पे भी अटैक करते हैं, लालकृष्ण आडवाणी के समर्थन में भी जाते हैं। कई बार हमने देखा है कि वो लालू प्रसाद यादव का तारीफ करते हैं, और जब नीतीश कुमार आज के डेट में महागठबंधन में थे, जब वो और प्रेजेंट जो बीजेपी की अलायंस में हैं वो तब उस समय एनडीए में नहीं थे, तब वो नीतीश कुमार की भी तारीफ किया करते थे। आखिर क्या चाहते हैं शत्रुघ्न सिन्हा, और अचानक से ऐसा क्या हुआ कि राजनाथ सिंह की उन पर कृपा बरस गई। कल जब अमित शाह पटना के अपने दौरे पे थे, जो तमाम उनके कार्यक्रम चल रहे थे, उसी वक्त जो ये तमाम खबरें आ रही थी कि आखिर राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के दौरे से शत्रुघ्न सिन्हा नदारद क्यों हैं, गायब क्यों हैं, क्यों क्या उन्हें इन्वाइट नहीं किया इन गया कार्यक्रम में, या फिर वो अपनी मर्जी से ही गायब हैं, कोई इस बात को स्पष्ट तौर पर नहीं बता पा रहा है। लेकिन रहते रहते ये बातें ज़रूर आ जाती है, कुछ ना कुछ शत्रुघ्न सिन्हा के भी ट्वीट्स ऐसे आ जाते हैं जिससे लगता है कि उन्होंने भाजपा छोड़ने का मन बना लिया है। अगर ये ना भी समझें कि उन्होंने भाजपा छोड़ने का मन बना लिया है, तो कभी कभी ये भी लगना शुरू हो जाता है कि भाजपा ने ही उन शत्रुघ्न सिन्हा को अपनी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने का मन बना लिया है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आरजेडी की खुलेआम जो तारीफ है शत्रुघ्न सिन्हा करते हैं, जो इफ्तार पार्टी है हमने देखा है अभी आरजेडी में हाल में ही, उसमें भी वो शामिल होने के लिए गए थे, वो तेज की तारीफ करते हैं, तेज प्रताप यादव की, तेजस्वी की तारीफ करते हैं, उन्हें एक बड़ा नेता बताते हैं। तो कुल मिलाकर आखिर शत्रुघ्न सिन्हा चाहते क्या हैं, क्यों भाजपा के कार्यक्रमों में वो शरीक नहीं होते हैं, ये एक ऐसी बात है जो कि खुद शत्रुघ्न सिन्हा ही इसे ज़्यादा बेहतर ढंग से बता पाएंगे। लेकिन आज सुबह अचानक एक बड़ी खबर पटना के लोगों के बीच में आई, पूरे देश के लोगों के बीच में आई, पटना के लोगों के लिए खासकर महत्वपूर्ण थी, वो था शत्रुघ्न सिन्हा को वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा मिल जाना। ये आज का पटना संस्करण का हिंदुस्तान अखबार है, इसके फ्रंट पेज पे जो स्टोरी छपी है कि शत्रुघ्न सिन्हा को वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा में अब शत्रु रहेंगे। अचानक से ऐसा क्या हो गया, अचानक से राजनाथ सिंह की कृपा जो है शत्रुघ्न सिन्हा पे कैसे बरस गई, ये एक बड़ा सवाल है जो कि बिहार के राजनीतिक हलकों में आज दिन भर चर्चा का विषय बना रहा। शत्रुघ्न सिन्हा को अगर आम पटना के आम लोगों की बातों को माने तो इतनी भी सिक्योरिटी थ्रेट नहीं थी, ऐसी भी सुरक्षा की जरूरत नहीं थी कि उन्हें वाई प्लस श्रेणी की सिक्योरिटी दी जाए। तो ये जो सिक्योरिटीज़ हैं, इस सिक्योरिटी का अरेंजमेंट भारत सरकार का होम मिनिस्ट्री करता है, होम मिनिस्ट्री बोले तो राजनाथ सिंह जो कि उसके मंत्री हैं, और राजनाथ सिंह ने अचानक से ये कृपा शत्रुघ्न सिन्हा पे कैसे बरपा दी, ये कैसे बरसा दी, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है जो कि आज तमाम लोगों के बीच में कहीं मतलब दिन भर चर्चा का विषय बना रहा। क्या शत्रुघ्न सिन्हा वापस फिर से भाजपा में एक नए ऊर्जा के साथ आ रहे हैं, या फिर उनके जो संबंध है टॉप मैनेजमेंट से, जो आला कमान है भाजपा के, उनसे सुधर रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है जो कि दिन भर आज राजनीतिक गलियारों में छाया रहा। भाजपा का कोई भी नेता इस मुद्दे पर स्पष्ट होकर के बात करने को तैयार नहीं है। बहुत सारे भाजपा नेताओं से हमने बात करने की कोशिश की, उनमें से कुछ ने तो इस पर आश्चर्य तक जता दिया कि शत्रुघ्न सिन्हा को वाई प्लस की सिक्योरिटी कैसे मिल गई, क्या संबंध सामान्य होने लगे हैं। हम यही बड़ा सवाल उठा रहे हैं कि क्या जो आला कमान से शत्रुघ्न सिन्हा के संबंध खराब चल रहे थे बीते दिनों, हमने कई बार देखा है, वो संबंध क्या अब सामान्य हो चले हैं, और क्या पटना साहिब से अगला लोकसभा चुनाव जो है वो भाजपा के टिकट पे ही लड़ेंगे शत्रुघ्न सिन्हा। क्योंकि जिस तरीके से कीर्ति आजाद को बाहर का रास्ता दिखाया गया था भाजपा से, वो दरभंगा से सांसद हैं और उन्हें 6 साल के लिए भाजपा ने अपनी पार्टी से सस्पेंड किया था, उसके बाद से शत्रुघ्न सिन्हा पे भी लगातार ये बातें आ रही थी कि शत्रुघ्न सिन्हा को भी कहीं ना कहीं पार्टी
बाहर का रास्ता दिखा सकती है, मगर अब तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शत्रुघ्न सिन्हा पार्टी में हैं, अभी भी उसी दमदार आवाज के साथ बोलते हैं, उनकी बातों में वही लाग लपेट होता है जो कि आज से कुछ महीनों पहले या सालों पहले हुआ करता था। वो अपने एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बोलते हैं, अपने नेताओं के खिलाफ बोलते हैं, बावजूद इसके आज जो है उन्हीं की अपनी सरकार ने उन्हें वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा दे दी। ये अचानक से क्या हो रहा है, ये राजनीति कैसे करवट ले रही है, क्या शत्रुघ्न सिन्हा ने कभी इसकी सुरक्षा अपने लिए सुरक्षा की मांग की थी? हमारी जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं आती है जब शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने लिए सुरक्षा की मांग की। लेकिन अखबार की बात करें तो अखबार जो हिंदुस्तान अखबार है आज का पटना एडिशन जो है वो ये लिखता है कि पटना साहिब के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा को जान का खतरा है। गृह मंत्रालय ने खतरों के मद्देनजर सांसद की सुरक्षा का आकलन किया है, साथ ही बिहार और महाराष्ट्र सरकार को सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश दिया है। केंद्र ने शत्रुघ्न सिन्हा को वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा घेरे में रखा है, लिहाजा उन्हें इसी श्रेणी की सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। गृह मंत्रालय के आदेश के बाद बिहार पुलिस की खुफिया शाखा ने सभी जिलों के DM SP को सुरक्षा इंतजाम के लिए मद्देनजर पत्र जारी कर दिया है। भेजे गए पत्र में कहा गया है कि सांसद शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर सुरक्षा एजेंसियों द्वारा खतरे की आशंका जताई गई है। तो जो हिंदुस्तान की ये रिपोर्ट है उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि शत्रुघ्न सिन्हा ने खुद के लिए अपनी तरफ से कोई सुरक्षा की मांग नहीं की थी, बल्कि जो सुरक्षा एजेंसीज हैं जो सिक्योरिटी रिव्यू करती हैं उस सिक्योरिटी रिव्यू में उन्होंने आशंका जताई थी कि शत्रुघ्न सिन्हा को जान का खतरा है, उन पर हमला हो सकता है। उसी के मद्देनजर उन्हें केवल बिहार और महाराष्ट्र में वाई प्लस की सिक्योरिटी दी गई है। ये एक बड़ी बात है, कहीं ना कहीं इसे राजनीतिक जानकार जो हैं, जो पॉलिटिकल पंडित हैं, वो शत्रुघ्न सिन्हा को मनाने की कोशिश के तौर पर भी देख रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा लंबे समय से नाराज़ चल रहे हैं पार्टी से, कई बार उन्होंने नरेंद्र मोदी का खुल के विरोध भी किया है, अमित शाह का भी विरोध किया है। पार्टी में जिस टाइप से वन मैन आर्मी वाली बात चलती है, टू मैन आर्मी की बात चलती है, अमित शाह और नरेंद्र मोदी की बात चलती है, उन्होंने लाइव सिटीज को भी इंटरव्यू देते हुए कई बार अपनी पार्टी के जो टॉप मैनेजमेंट है, आला कमान है, उससे नाराजगी जताई है। अब अचानक से ये कदम क्यों? शत्रुघ्न सिन्हा को पिछले 4 सालों में मंत्रालय तो नहीं दिया नहीं गया, उन्हें कैबिनेट मंत्री तो बनाया नहीं गया, ये एक बड़ी वजह रही है शत्रुघ्न सिन्हा की नाराजगी की। हालांकि और भी वजह हो सकती है नाराजगी की जिसे शत्रुघ्न सिन्हा ने कभी सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन मंत्री ना बनाने का मलाल जो है वो शत्रुघ्न सिन्हा में आज भी है। लेकिन अचानक से ये वाई प्लस सिक्योरिटी जो है ये बहुत सारे सवाल उठा रही है। कुछ राजनीतिक जानकार ये भी बता रहे हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा से संबंधों को सुधारने की कोशिश में बीजेपी की टॉप मैनेजमेंट जो है आला कमान वो लग गई है। बीच में ऐसे बहुत सारी संभावनाएं जताई जा रही थी, शत्रुघ्न सिन्हा ने खुद भी कहा था कि अगर जो उनका इलेक्शन का जो जीतने का जो जगह होगा, जो कॉन्स्टिट्यूंसी होगी, वो पटना साहिब ही होगी, वो अपने लोकेशन को कतई चेंज नहीं करेंगे। वो पार्टी चेंज कर सकते हैं मगर अपने लोकेशन पटना साहिब को कभी चेंज नहीं करेंगे, वो पटना साहिब से ही 2014 का चुनाव लड़ेंगे। मगर बीच में ये भी खबरें आ रही थी कि अगर किसी कारण से जो भाजपा का टॉप मैनेजमेंट है, जो भाजपा का आला कमान है, वो अगर शत्रुघ्न सिन्हा को टिकट नहीं देता है तो इसकी संभावना बहुत प्रबल थी कि वो RJD में जा सकते हैं, RJD से अपना चुनाव लड़ सकते हैं। मगर अब ये जो कदम है, क्योंकि एक बात तो है कि राजनाथ सिंह एक बहुत बड़े कद्दावर मंत्री हैं केंद्र सरकार में, होम मिनिस्ट्री उनके पास में है, और उन्होंने ये जो निर्णय लिया होगा कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों के साथ कंसल्ट करने के बाद अपने भी आला कमान से, अपने भी हायर अथॉरिटी से बात करने के बाद ही लिया होगा। और जब राजनाथ सिंह को हर जगह से ग्रीन सिग्नल मिल गया होगा तभी उसके बाद ही जो है शत्रुघ्न सिन्हा को ये वाई प्लस की सिक्योरिटी दी गई होगी। तो कहीं ना कहीं जो भाजपा का आला कमान है वो इस शत्रुघ्न सिन्हा से संबंधों को सुधारने की कवायद में लगा हुआ है। अब जो है नई परिस्थितियों में जो राजनीतिक जानकार बताए जा रहे हैं कि भाजपा का ग्राफ चूंकि थोड़ा सा जरूर गिर रहा है देश की राजनीति में, तो अब भाजपा अफोर्ड नहीं कर सकती है शत्रुघ्न सिन्हा को लूज करने का। ये एक अंदर की बात है, ये अंदर की बात हम जो आपको बता रहे हैं आज के बिहार की बात में, कि भाजपा जो है आज की तारीख में उसके लिए हर एक सांसद महत्वपूर्ण है, हर एक MP जो सिटिंग MP है वो महत्वपूर्ण है। शत्रुघ्न सिन्हा भले ही नाराज चल रहे हों, शत्रुघ्न सिन्हा ने भाजपा की सरकार को जम के कोसा है, बावजूद इसके भाजपा जो है शत्रुघ्न सिन्हा का पटना साहिब से टिकट नहीं काटेगी।
क्योंकि हर एक सांसद जो है 2014 के चुनाव के लिए भाजपा के लिए महत्वपूर्ण है, और शत्रुघ्न सिन्हा वो नाम है, शत्रुघ्न सिन्हा वो व्यक्ति हैं जो कि हर हाल में ज़्यादा संभावना ये है पटना साहिब का जो सीट है वो जीत कर फिर से दिखा सकते हैं। तो चूंकि ये प्रबल संभावना है, भाजपा भी इस बात को महसूस कर रही है कि अगर कल को वैसी कोई ज़रूरत पड़ी कि 2014 के नतीजे जो हैं उनके लिए कंफर्टेबल नहीं होते हैं और उन्हें सरकार बनाने में परेशानी होती है, तो वैसी स्थिति में शत्रुघ्न सिन्हा को भाजपा लूज नहीं कर सकती है। और शायद यही कारण रहा है कि भाजपा शत्रुघ्न सिन्हा को मनाने की तरफ अपनी तरफ से इनिशिएटिव ले रही है, और ये वाई प्लस की जो सिक्योरिटी जो दी गई है शत्रुघ्न सिन्हा को, ये भी इसी ओर एक कदम है। बिहार की बात में आज मेरे यानी अभिषेक चंद्रा के साथ इतना ही। नमस्कार।